रामलला के भक्तों के लिए भगवान राम का दर्शन अब और भी आसान हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही है। दोनों ही रूट पर बुलेट ट्रेन की योजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। बुलेट ट्रेन की परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की बैठकें जारी हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की फाइनल DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से चलकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाएगी। इस रूट की शुरुआत दिल्ली के सराय काले खां से होगी और नोएडा के सेक्टर 144 में यूपी का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन सकता है, जबकि दूसरा स्टेशन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली वाराणसी तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन हो सकते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होते हुए नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी तक जाएगी। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन एलिवेटेड लाइन पर चलेगी। इसकी ऊंचाई करीब 10 मीटर होगी। इस कॉरिडोर की कुल दूरी 865 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये बुलेट ट्रेन रामनगरी अयोध्या जाएगी। बुलेट ट्रेन की योजना धरातल पर आने के बाद दिल्ली से अयोध्या और वाराणसी तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा बेहद अहम होगी। महज कुछ घंटों में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच जाएंगे। वहीं बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा को पूरा करने में महज 4 घंटे का समय लगेगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।